हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं या फिर क्या कुछ बातें करते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। फुल फोकस रखिएगा आप अपने ऊपर। आप सबसे मैं ये भी कहूँगी कि जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। या फिर आपको अगर जाप माला लेनी है, ये ट्री लेना है, क्योंकि ट्री के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं। रुद्राक्ष ट्री एंड ये गोमती चक्र ट्री का बेनिफिट पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज़ करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे, ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था, आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है। तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं, सुख शांति के लिए रखिए। आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है, आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है। ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है। ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है, इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है, और ये जो है आपके, कह सकते हैं कि बिज़नेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो, जो लोग बिज़नेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। ठीक है,
बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है, मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए। ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये, तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा और अच्छा भी लगा। तो अगर आप मुझसे ये जो है ट्री लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको बुकिंग के बारे में बता दिया जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कब आपको जो है ये दिया जाएगा, ठीक। तो सारी चीज़ें जो है बता दी जाएंगी, इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में? ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कॉइंस बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ के एनर्जी के अनुसार से जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले आपके अंदर आप कितने ज़्यादा मैच्योर हो, कितने अच्छे इंसान हो, ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी काबिलियत या ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी खासी हाउसवाइफ हो, या एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ बनने के साथ साथ आप जॉब, बिजनेस सब कुछ हैंडल कर सकते हो, सब कुछ। अगर आपको कोई धोखा दे तो आप उस धोखे को पकड़ भी लोगे, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है। आपके अंदर ममता का भाव बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, ये पर्सन काइंड हार्टेड पर्सन है। मेरा जो पार्टनर है बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही अच्छा पर्सन, जिसको कह सकते हैं, जिसे कह सकते हैं कि मैरिज मटेरियल, वैसा है मेरा पार्टनर, वैसा है। और उसकी ये बातें, उसकी दिल की जो बातें हैं, वो मैं शायद नहीं समझ पाता, ये अलग की बात है, बट मैं उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता हूँ। जब भी उसकी आँखों में देखता हूँ, जब भी उसकी मुस्कान को देखता हूँ, मुझे उसके तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन फील होता है, अलग सा, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि आपका रंग सांवला हो सकता है, या आपके पार्टनर का रंग सांवला हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरती है आपके अंदर, बहुत खूबसूरती। चलिए देखते हैं अदर कार्ड्स, ये कार्ड्स क्या आए हैं। फोर ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस,
बेस्ट आर नाइन ऑफ कॉइन्स, सॉरी नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कॉइन्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स. ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है कार्ड में, मुझे कार्ड्स में यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है. ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो मेरा, मेरे पर्सन के साथ जो कनेक्शन है ये इन और आउट वाला कनेक्शन है. यानी कि जब भी मेरा पार्टनर मुझसे कमिटमेंट मांगता है, मैं उसे कोई बिना कोई बहाने मार देता हूँ, कोई ना कोई जो है मैं उसे बोल देता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. यार कौन फंसेगा शादी के चक्कर में, कौन फंसेगा शादी के चक्कर में? शादी का झमेला कम है क्या? नहीं है ना. मैं नहीं फंसना चाहता इस झमेले में, मैं इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता. काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं मेरी लाइफ में, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स. लेकिन फिर भी देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे तकलीफ हो. यार मैं अंदर से जो है ना शादी के लिए तैयार नहीं हो पाता. मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं शायद अच्छे से नहीं निभा सकता. ऐसा लगता है कि जैसे कि गले में एक फंदा पड़ जाएगा, और वो गले का फंदा जो है ना वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, और मेरे से नहीं हो पाएगा ये शादी वादी. मैं नहीं जो है ना शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहता हूँ. चूँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने मुझे कई बार प्रपोज़ल जो है मांगा मुझसे, और कई बार मैंने उसे प्रपोज़ किया भी है, मतलब मैंने उसको बोला भी है, लेकिन एंड वक्त पे मैं बदल जाता हूँ. मेरी जो सिचुएशन है वो बदल जाती है, मेरा माइंड बदल जाता है. यार मेरा माइंड बदल जाता है, मेन मेरा माइंड का है, मेरा माइंड ही बदल जाता है. मेरा माइंड कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाता है, कभी कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से कुछ भी, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मैं किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊँगा. कभी लगता है कि मैं शायद अपनी फैमिली और उसके बीच तालमेल नहीं बना पाऊंगा. कभी कभी मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड ये बोलेगा तो मेरे ससुराल वाले या मेरे घर वाले ये बोलेंगे. मैं किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊंगा या निभाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा. मुझे जहाँ तक लगता है अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुँचा हूँ कि मैं किसी भी रिश्ते को अच्छे तरीके से संभाल पाऊँ, किसी भी रिश्ते को. मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं अभी मैच्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है. मैं बड़ा ज़रूर हो गया हूँ, मतलब कि उस तरीके से बड़ा नहीं हुआ हूँ जिस तरीके से होना चाहिए. मैं मेंटली बहुत बहुत ज़्यादा वीक हूँ अभी. मैं मेंटली उस तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा, या उस तरीके से मैं आगे नहीं जा पा रहा जिस तरीके से मुझे आगे जाना चाहिए. मैं अपने रिश्ते को लेकर के देखो, मेरे अंदर भी मुझे फील होता है, कि मैं जो है शायद कुछ बेहतर नहीं कर रहा, या शायद कुछ अच्छा नहीं कर रहा अपने आप के साथ, उसके साथ. मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं. मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है या मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, ठीक है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मेरा जो कनेक्शन है वो जुड़े, मैं चाहता हूँ. लेकिन मैं अपने, मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से जो है ना डर है, मुझे एक अंदर से डर है कि मैं पता नहीं आगे जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, पता नहीं क्या होगा. मुझे लगता है कि मैं इस रिश्ते को लेकर के अभी श्योर नहीं हो पा रहा.
मैं अपने रिश्ते को लेकर के अभी अभी भी श्योर नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से घबराहट होती है, मुझे अंदर से लगता है कि मैं पता नहीं मेरे लिए ये सही रहेगा, बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल ऑलरेडी मचा हुआ है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी उथल पुथल मची हुई है, जिसको मैं संभालने में लगा हूँ, यार शादी कर लूँगा, उसको मैं जो है कमिटमेंट दे दूँगा, तो फिर मुझे फंसना पड़ेगा, और मैं वो फंसना नहीं चाहता। मेरी बात मानो, मैं फंसना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अंदर भी वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, मैं भी जानता हूँ कि उसको भी तकलीफ़ होती होगी मेरी बातों से, और मेरे इस तरीके से रूखेपन से उसे भी तकलीफ़ होती होगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अपनी अपनी खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए मैं हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना मुझसे किया जाएगा। उसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, ठीक है, उसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, मेरे अंदर भी इतना ज़्यादा ईगो है, हम दोनों का ईगो ही हम दोनों पे भारी पड़ रहा है, हम दोनों का ईगो। देखो, मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके रूप में मुझे जो इंसान मिला है वो कभी मुझे पहले भी मिल सकता था, लेकिन इसके पहले मेरा एक्सपीरियंस किसी के साथ वैसा नहीं रहा है जितना अच्छा खासा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ये मिला या मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा एक जो ड्रीम था, एक ड्रीम गर्ल है ना, या ड्रीम हस्बैंड या वाइफ है ना, जो मुझे चाहिए था, वो उसमें मुझे दिखा, वो उसमें मुझे मिला, उसका साथ, उसकी बात, उसकी हर एक चीज़। माना कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो स्टार है, मेरी लाइफ का वो स्टार है, वो मेरी ज़िंदगी में वो जगमगाता सा सितारा है जिसको मैं कई सालों से ढूंढ रहा था। मुझे इतना अच्छा लगता है उसके साथ, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बस भागना चाहता हूँ। मैं भागता हूँ, मुझे डर लगता है यार, मुझे डर लगता है कि कहीं किसी और के साथ ये सब चीज़ें हो गई, यानी कि वो भी कहीं किसी और के साथ चली गई या चला गया, तो मेरे साथ फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा कि मैं आगे पता नहीं क्या जो है कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं क्या है, बट मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है, मुझे लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ। ठीक है, मेरे अनुसार से अब आपको क्या बताना है मुझे, ये आप बताओ कि आप मैंने आपको पूरी सिचुएशन बता दी है, आप क्या मुझे गाइड करना चाहते हो, मैं उसके लिए एक्शन लूँ या अभी उसके साथ माइंड गेम खेलूँ, मैनिफेस्टेशन करूँ, क्या करूँ ऐसा, अब आप मुझे गाइड करो बहुत अच्छे तरीके से, ताकि मेरी जो सिचुएशन है वो फुलफिल पूरी तरीके से ख़त्म हो, पूरी तरीके से सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे गाइड करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे आप ही मुझे गाइड करोगे। चलिए देखते हैं कि अब इनके पार्टनर, इनके दोस्त ने इनके दोस्त ने इनको क्या एडवाइस दी है। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा, टेन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी टेन ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर, ओके, सो इनके दोस्त ने इनको बहुत ही कड़क होकर के बोला है, बहुत ही कड़क होकर के, ये सारी सिचुएशन जो सेल्फिशनेस वाली है, ये सारी सुन करके आपके जो पर्सन है, इनके दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं,
इनको तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इन्होंने गाली भी दे दिया होगा, जिस तरीके से इनका गुस्सा मुझे नज़र आ रहा है, इनके अंदर वो अग्रेसन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने अंड शंड बोला ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो ये इनके जो दोस्त हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ कोई गलत करे, और गलत करे तो वो भोगे भी। इनका ये है इनका रूल, यानी कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही कड़क मिजाज के आदमी है, जिनसे इन्होंने सारी बातें शेयर की हैं। इन्होंने क्या एडवाइस दिया है, इन्होंने एडवाइस दिया है कि तू ही गलत है, तूने उसका दिल तोड़ा है, तूने उसको तकलीफ दिया है, तूने ही, सिर्फ अपने बारे में तू कैसे सोच सकता है, सिर्फ तू अपने बारे में कैसे सोच सकता है ये बता तू मुझे। तूने शादी करने का सोचा नहीं तो तू टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, टाइम पास तूने यहाँ पे किया है ना, तेरा यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि तेरे में ही खोट है, तू ही यहाँ पे टाइम पास के मैटर्स को लेकर के आया है। मुझे नहीं लगता कि तेरे अंदर कोई उसके लिए प्यार है, कोई फीलिंग्स हैं, कोई इमोशंस हैं, क्योंकि अगर तेरे अंदर वो प्यार वो इमोशंस रहते ना तो उसका दिल नहीं तोड़ता। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, टाइम पास, मेरे नज़रों में टाइम पास ही है, रहो सब कुछ करो और उसके बाद समय आए तो छोड़ दो, यही है मेरे नज़रों में। मैं नहीं कहूँगा तेरे को कि तू अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़, बिल्कुल नहीं, क्यों छोड़ना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा, लेकिन तू उसे शादी भी कर, क्योंकि तूने तेरे आस पे वो बैठा था या बैठी थी, तूने उसका दिल तोड़ा, तूने उसको तकलीफ दी, तूने उसको ब्लेम किया, तूने उसको सब किया, उसके दिल के साथ तूने तो जाने अनजाने में तूने खेल लिया है ना, लेकिन शादी की कमिटमेंट देने से तू भाग रहा है, क्यों प्यार किया फिर तूने। देख भाई, मेरे तरफ से तो मेरे माइंड से जो तू चीज़ें कर रहा है, तू जो बता रहा है, मुझे नहीं लगता कि तेरा उसके साथ कोई प्यार व्यार है, ठीक है, तूने बस एज अ टाइम पास उसको यूज़ किया है मेरे अनुसार, ठीक है, तुझे बुरा लग रहा होगा अलग है, बट यही सच है। अगर तू टाइम पास नहीं कर रहा था तो शादी करना, शादी कर, उसके साथ अपना घर बसा, शादी कर, घर बसा, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप निभा, तब तो मैं समझूँ तुझे कि तेरा प्यार प्यार था। तेरा प्यार यहाँ पे प्यार नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे। तू अपने बर्डन, तू अपने परेशानी, तू अपने इन सारी चीज़ों से परेशान है, लेकिन तूने एक बार भी सोचा कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, नहीं सोचा ना। तुझे करना है तुझे कॉल मैसेज करना चाहिए, तुझे बात करनी चाहिए, तुझे बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तू मेरे लिए वो इंसान है। देख, मैं तेरा गलत नहीं चाहता, मैं तुझे कोई गलत सजेशन नहीं देना चाहता, तेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहूँगा कि देख, भाग्य ऐसा है कि कर्म हमारा लौट के आता है और तेरा कर्मा तू खुद खराब कर रहा है, तो मैं तेरे को ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तू अपना कर्मा खराब कर, ठीक है, तू अपना कर्मा सही रख, बाकी ईश्वर की मर्जी रहेगी, तेरा जो होगा सो होगा, ईश्वर की मर्जी रहेगी तो तू आगे बढ़ेगा, तेरा कनेक्शन आगे बढ़ेगा, तू शादी कर, सबसे पहले तो शादी कर, ठीक है, शादी करेगा तो तेरे लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ठीक है, आगे तेरी मर्जी, ठीक। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, ठीक है, ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, बाय बाय।